नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम एफएमई स्कीम। यह केंद्र सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग द्वारा लागू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत एफपीओ को भी लाभ लेने के लिए योग्य माना गया है। इस स्कीम के अंतर्गत एफपीओ को 35% तक की सब्सिडी प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, इस सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्कीम का जो उद्देश्य है वह यह है कि जो एफपीओ हैं, जो फूड प्रोसेसिंग या फूड सेक्टर में काम करना चाहते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालना चाहते हैं, तो उससे इससे क्या होगा कि जो किसान है उनकी जो फसल है, जो ऐसी फसल है जो जल्दी नष्ट हो जाती है, ठीक है, तो उसको नष्ट ना होने के लिए, उनको अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार इस प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना करने के लिए यह जो सपोर्ट है वह एफपीओ को प्रदान कर रही है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है कोई भी जो एफपीओ हैं वो देखिए वो जो हैं कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो वो कोई ग्रेडिंग प्लांट डाल सकते हैं, छटाई का प्लांट डाल सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं, पैकिंग यूनिट डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी वह फूड सेक्टर से रिलेटेड कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग यूनिट डाल सकते हैं, उसके लिए इनको इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाएगी। इसकी स्कीम में जो अधिकतम अनुदान प्राप्त होगा सब्सिडी के रूप में वह 35% होगा। जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी उसका 35% जो है वह सब्सिडी के रूप में एफपीओ को प्राप्त होगा। इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग सहायता भी प्रोवाइड की जाएगी एफपीओ को, जो भी वह प्रोसेसिंग यूनिट इंस्टॉल करेंगे या डालेंगे उस चीज़ के लिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से एफपीओ हैं जो इस स्कीम का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मतलब इस स्कीम में वह एफपीओ एलिजिबल हैं जो ऐसे उद्योगों की स्थापना करेंगे जो उस प्रोडक्ट पे, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पे निर्धारित है। मतलब सरकार ने जो है एक जिले के लिए एक प्रोडक्ट निर्धारित किया है, उस प्रोडक्ट पे यदि कोई एफपीओ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूनिट डालता है तो इस स्कीम के अंतर्गत वह बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो है जो एफपीओ है उसका टर्नओवर जो है वह 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अधिकतम जो टर्नओवर है वह 1 करोड़ तक का होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो एफपीओ द्वारा प्रोजेक्ट डाला जा रहा है, जो परियोजना है उनकी, उसकी जो लागत है वो वर्तमान का जो टर्नओवर है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो एफपीओ के सदस्य हैं उनको कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए जिस चीज़ की वो प्रोसेसिंग यूनिट डाल रहे हैं, जिस फील्ड में वो प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, जिस चीज़ का व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं एफपीओ का, उसका उनको कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। यदि यह 5 शर्तों के अधीन एफपीओ रहता है, इन 5 शर्तों का पालन कर पाता है तो वह इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल होता है। ठीक है, कि इस स्कीम के अंतर्गत वह अप्लाई करके फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कर सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत जो एफपीओ है वो देखिए, उदाहरण के तौर पे जैसे आम से जो प्रोडक्ट बनते हैं, बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो बना सकता है, आलू के चिप्स वगैरह बनते हैं, लीची की प्रोसेसिंग होती है, टमाटर के बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, साबूदाना के बाय प्रोडक्ट बनते हैं, अचार पापड़, ये इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं या अन्य कोई फूड प्रोसेसिंग की बिजनेस है उसके लिए इस स्कीम के अंतर्गत आप अप्लाई करके इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो तो अन्य लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे अन्य वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।